मैं आपके साथ शिवानी आता हूँ। ये बढ़ते हैं आज की स्पीड न्यूज की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना वायरस से अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा मरीज आए सामने। चीन के बाद इटली और अमेरिका में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज। भारत में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का प्रकोप, अब तक 113 मरीज आए सामने। 2 लोगों की मौत के साथ 11 मरीज हुए ठीक। एहतियात के तौर पर कई शहरों में लगाई धारा 144। देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल सहित मॉल्स किए बंद। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला। हत्या के 4 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा। इस्लामिक आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन द्वारा की गई थी हत्या। आतंकियों ने पुजारी का गला रीत कर उतारा था मौत के घाट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बनाई नई पार्टी। पहले ही दिन कार्यक्रम पर पुलिस से लगाई रोक। कोरोना वायरस को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम करने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दमखम से लड़ेगी पार्टी। कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान गेंदबाज का बयान। शोएब अख्तर ने चीन पर बोला हमला। चीनियों की चमगादड़ खाने की सजा भुगत रही पूरी दुनिया। यूट्यूब चैनल पर जमकर निकाली भड़ास। कोरोना के कारण करतारपुर कॉरिडोर बंद। 100 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी। आगामी आदेश तक बंद रहेगा करतारपुर कॉरिडोर। कांग्रेस के विधायक जयपुर से पहुंचे भोपाल। सीएम हाउस कैबिनेट बैठक के बाद मैरियट होटल में ठहरे विधायक। सोमवार को विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम कमलनाथ ने जताया बहुमत सिद्ध करने का भरोसा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया किडनैपिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया विधायकों से कर रहे मुलाकात। प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए लगाया जा रहा है जोर। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। कांग्रेस चला चली बेला में लगा रही बेबुनियाद आरोप। मुख्यमंत्री कमलनाथ को सत्ता की कुर्सी जाने का डर। फ्लोर टेस्ट में फेल होगी कमलनाथ सरकार। कोरोना वायरस का खौफ। मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद। बैरिज हॉल में भी नहीं करा सकेंगे बुकिंग। देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर उठाए कदम। भारत में अब तक सामना 113 मरीज। फिलहाल मध्य प्रदेश कोरोना वायरस से सुरक्षित। वित्त मंत्री ने देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन को फटकारा। निर्मला सीतारमण, SBI के चेयरमैन रजनीश को लगाई फटकार। स्टेट बैंक को कहा हार्टलेस बैंक। केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं की बंद। इलाके में सेना का सचेत अभियान जारी।